कोरोना के बाद अब उत्तराखंड में डेंगू का डंक अपने पैर पसारने लगा है। अभी तक की बात करें तो 34 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि कल तक डेंगू के 34 मामले सामने आ चुके हैं और इसके लिए लगातार हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि 3 साल के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ता है और 3 साल पहले भी डेंगू इसी तरीके से उत्तराखंड में फैल रहा था, लेकिन इस बार हमारा फोकस ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें जो हमारा फोकस है, मेन फोकस है, वो सोर्स रिडक्शन पे है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, उन स्रोतों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो मच्छर का लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करने पे फोकस है। हम लोगों ने IEC मटेरियल भी हर डिपार्टमेंट में दिया है। हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो हमने हर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। उसमें भी हमने सोर्स रिडक्शन का महत्व बताया है और सोर्स रिडक्शन ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। थैंक यू सर।